हेलो दोस्तों, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। वीकली क्विज 17 से 23 जनवरी के क्वेश्चंस हम यहां पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस इज रिस्पांसिबल फॉर डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशंस इन द इंडियन पेनिनसुलर रीजन। सो शील्ड, फ्लड, कंपोजिट, कैल्डेरा करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज फ्लड। ठीक है, फ्लड बसाल्ट वोल्केनोस, दे कंटेन्स हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोस फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड देयर कैन बी अ सीरीज ऑफ फ्लोस विद सम फ्लोस अटेनिंग थिकनेस ऑफ मोर देन 50 मीटर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। बसाल्टिक इरप्शन ऑकर्स एट मिड ओशियनिक रिज एंड एंडेसाइटिक इरप्शन ऑकर्स एट वोल्केनिक आर्क्स एंड माउंटेन्स। एंडेसाइटिक इरप्शन इज मोर फ्लूइड एंड मोबाइल देन बसाल्टिक इरप्शन। सो गाइज देखो क्या होता है ना कि बसाल्टिक इरप्शन की जब हम बात करते हैं, दे आर कैरेक्टराइज बाय लो गैस कंटेंट। ठीक है, जबकि अगर हम एंडेसाइटिक या फिर एक्सप्लोजिव इरप्शन जिसे कहते हैं उसकी बात करें, दे आर फेवर्ड बाय हाई गैस कंटेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट सही है। सही जवाब होगा इसका ओनली वन, दैट इज ए। व्हाट इज और आर द यूनिक फीचर ऑफ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ब्रह्मोस इज अ सिंगल स्टेज मिसाइल विद ओनली अ सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। नो, ये एक टू स्टेज मिसाइल है। एट प्रेजेंट द मिसाइल हैज अ फ्लाइट रेंज ऑफ 600 किलोमीटर। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो वो भी गलत है, क्योंकि इसकी फ्लाइट रेंज है अप टू 290 किलोमीटर। ठीक है, इंडिया एंड रशिया स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रह्मोस इन 1998 विच इज बेस्ड ऑन द रशियन याकोंट एंटी शिप मिसाइल। ये बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर है इसका बी। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। The Pacific Ring of Fire or the Circum-Pacific Belt is an area along the Pacific Ocean that is characterized by active volcanoes. About 90% of the world's earthquakes occur here. It traces from New Zealand clockwise in an almost circular arc and extends up to western coast of North America. So guys, agar hum iski baat kare, its length is over 40,000 kilometer. It traces from New Zealand clockwise in an almost circular arc. It covers Indonesia, Tonga, etc. It moves up to Philippines, Japan, etc. ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका वन एंड टू, दैट इज बी। दरवाजा गैस क्रेटर, ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू हेल, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं गुरबांगुली, उन्होंने भी एक्सपर्ट्स को ऑर्डर किया था टू फाइंड अ वे टू एक्सटिंग्विश अ फायर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। Question number 6, consider the following statements. International Solar Alliance, ISA, was conceived as a joint effort by India and Japan to mobilize efforts against climate change through the deployment of solar energy solutions. The alliance is a treaty-based intergovernmental organization where most of the member countries lie either completely or partly between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. ISA has been conferred observer status to the UN. सो गाइज, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूएन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेटस इसे दिया है, ये बिल्कुल सही है। हालांकि ये जॉइंट एफर्ट इंडिया और जापान का नहीं था, इंडिया और फ्रांस का था। पेरिस में जो सम्मिट हुई थी 2015 में, तब इसकी बात हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज 2 एंड 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू नियर जीरो। कंट्रीज आर सेटिंग देयर नेट जीरो एमिशन गोल बेस्ड ऑन द 2015 पेरिस अग्रीमेंट गाइडलाइंस। नेट जीरो एमिशन कैन बी अचीव बाय क्रिएटिंग मोर कार्बन सिंक्स सच एज फॉरेस्ट एंड रिलाइंग ऑन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज सच एज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। सो दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेट जीरो एमिशन का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को नियर जीरो लाना है। ठीक है, इट इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज एमिशंस आर कंपनसेटेड बाय रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, ताकि वो एमिशन नेट जीरो हो जाए। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जीरो नहीं होगा, लेकिन कार्बन सिंक को अगर आप हटा के उसका कंपनसेशन करोगे तब जीरो होगा। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कि नेट जीरो एमिशन गोल बेस्ड जो है वो 2015 अग्रीमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से देश जो है वो सेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल ट्रू। ठीक है, नेट जीरो गोल जो है वो 2015 पेरिस अग्रीमेंट में है ही नहीं ऐसा कुछ। सो करेक्ट आंसर इसका सिर्फ और सिर्फ ओनली 3 होगा। ऑल क्रिप्टो करेंसीज आर बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज काफी कुछ ऐसा भी है
एक क्रिप्टो करेंसी है आयोटा, ठीक है। सो ये एक टेक्नोलॉजी यूज करती है जिसे मैथमेटिकल टैंगल कहते हैं। ऑल्ट कॉइन्स रिफर टू अ क्लास ऑफ अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज दैट वर लॉन्च्ड आफ्टर द सक्सेस ऑफ बिटकॉइन। बिल्कुल आपने सुना होगा डॉज कॉइन, देन उसके अलावा शिबा इनू, बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आए थे जिन्हें हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका, इनकरेक्ट पूछा है ए। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर द मैनुअल ऑन पार्लियामेंट्री वर्क आफ्टर पासिंग अ लॉ द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स मस्ट फ्रेम रूल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। इन केस द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आर नॉट एबल टू फ्रेम द रूल्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड आफ्टर द लेजिस्लेशन इज पास्ड, दे शुड सीक एक्सटेंशन ऑफ टाइम फ्रॉम द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सो गाइज देखिए, एज पर द मैनुअल इन केस द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आर नॉट एबल टू फ्रेम द रूल्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ नॉट 1 ईयर। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। एक्सटेंशन जो है वो इस कमिटी से लिया जाता है। सही जवाब होगा इसका बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज आर वर्लिंग वर्टिकल एयर कॉलम दैट फॉर्म थंडरस्टॉर्म्स विदाउट स्ट्रेचिंग टू द ग्राउंड। चेंजेस इन द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग टॉर्नेडोज। सो गाइज देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। टॉर्नेडोज आर वर्टिकल एयर कॉलम्स, ठीक है, दैट फॉर्म थंडरस्टॉर्म्स एंड दे स्ट्रेच टू द ग्राउंड, नॉट कि विदाउट स्ट्रेचिंग। पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, सही जवाब होगा। Consider the following regarding coal gasification and its advantage. Coal gasification is the process of converting coal into syn gas, which is a mixture of hydrogen, carbon monoxide, and carbon dioxide. It reduces dependence on imported LNG, and low-grade coal cannot be used in the coal gasification process. So, guys, देखिए ऐसा नहीं है कि low-grade coal cannot be used, ठीक है? रही बात सेकेंड स्टेटमेंट की और फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। साइन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ H2CO एंड CO2, और इसका यूज किया जाता है कई सारे एप्लीकेशंस में, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग केमिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा, ठीक है। लो ग्रेड कोल भी यूज होता है। सो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही। सही जवाब होगा इसका ए। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में मैं थोड़ी स्पीडली काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा एडवाइज्ड है, रेकमेंडेड है कि आप इसके बारे में डिटेल में जरूर पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12 रिगार्डिंग ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट मेनली इन्फेक्ट्स कैटल, स्वाइन, गोट्स, शीप एंड डॉग्स। ह्यूमंस गेट इन्फेक्टेड इफ दे कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स और बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज वेरी कॉमन। सो गाइज देखिए, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत रेयर है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है और बाकी दोनों सही हैं। ब्रुसेलोसिस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, ज़ूनोटिक इन्फेक्शन है ये, और साथ ही साथ बेसिकली सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फीवर, स्वेट, हेडेक, मसल पेन एटसेट्रा आर द सिम्टम्स। क्वेश्चन नंबर 13, द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इज अ प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम वेयर इन डिफरेंशियल टैरिफ कुड बी इम्पोज्ड बाय अ नेशन ऑन वेरियस कंट्रीज depending upon factors such as whether it is a developed or a developing country. The concept of GSP is very different from the concept of MFN status, and GSP is outside the purview of WTO. So it is not outside the purview of WTO, guys. Okay, it comes under the purview of WTO only. MFN और इसमें खाला की अंतर है, वो बिल्कुल सही बात है। So बाकी दोनों statement सही है, correct answer होगा इसका B. चले regarding DGGI. Regarding DGGI, दो statements हैं। The Directorate General of GST Intelligence is a law enforcement agency under the Ministry of Commerce and Industry responsible for fighting tax evasion in India. And before the introduction of GST, the DGGI operated as DGCEI. So second statement sahi hai, theek hai, lekin pehla statement galat hai because it is under the Ministry of Finance. Theek hai? It is under the Ministry of Finance. Ye cheez aapko dhyan rakhni hai yahan pe. Chaliye, ab aage chalte hain. Consider the following regarding India's state of forest report. According to the report, forest and tree cover in the country has decreased since the last assessment in 2019. In India, the total forest and tree cover accounted for less than 30% of the geographical area of the country. The accuracy in the current assessment of forest cover classification has been more than 90%. So guys, dekhiye, according to the report, agar hum dekhen, tree cover, forest cover jo hai, wo increase hua hai around 2200 square kilometer. ठीक है, अराउंड 2200 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, ओके। और अगर हम इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करते हैं, इट इज 80.9 मिलियन हेक्टेयर,
जो कि पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, 24%, अराउंड 24%। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सो करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का सी, दैट इज 2 एंड 3। सो आज का ये वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो।